अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी में हम बनाने वाले हैं चिकन ग्रेवी। ये चिकन ग्रेवी जो है बहुत टेस्टी बनती है। इस ग्रेवी को बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से हल्दी डाल के अच्छे से वॉश करके ले लिया है। हमने 300 ग्राम चिकन लिया है। आप चाहे तो बोन वाला चिकन भी ले सकते हो, बोनलेस वाला चिकन भी ले सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 1 स्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1/4 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 स्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अब जाएगा 2 स्पून दही। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे चिकन का ओवन ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करके आधा घंटा हो चुका है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। हमने 2 टमाटर लिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 2 कांदे को कट करके लिया है, थोड़ी हरा धनिया, हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने चिकन को मैरिनेशन करते समय भी 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इस ग्रेवी में टोटल 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हमने गैस का फ्लेम चालू करके कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें 3 स्पून जितना तिल का तेल ऐड कर देंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। ये ग्रेवी तिल के तेल में बनाने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कांदा ऐड कर लेंगे। कांदे को हम अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे। वह इसमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। अदरक लहसुन को अच्छे से स्मेल होने तक हम भून लेंगे। 2 टमाटर का पेस्ट बनाया था, हमने इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर की अच्छी स्मेल जा चुकी है और जो ऊपर आने लगा है, इसी स्टेज पर हम चिकन ऐड कर लेंगे। सभी मसाले हमने चिकन मैरिनेशन करते समय ऐड कर लिया है। मैं अलग से मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ग्रेवी जो है बहुत डिलीशियस बनती है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चिकन ऐड करने के बाद हम अच्छे से 5 मिनट चिकन को मसाले के साथ हम अच्छे से भूनेंगे। चिकन मैरिनेशन करते समय हमने नमक ऐड किया है। हमें इसमें थोड़ा सी नमक कम लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सी नमक ऐड कर लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। इस ग्रेवी को बिगिनर्स और बैचलर्स इजीली बना सकते हैं। हम ग्रेवी को ढक देंगे, इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। अब हम ग्रेवी को चेक कर लेंगे। ग्रेवी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हो चिकन ग्रेवी जो है कितनी बढ़िया लग रही है। इस ग्रेवी में गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया जाता है। अगर आपको गरम मसाला पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो आप 1 चुटकी जितना गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे। आप इस ग्रेवी को एक बार बनाइएगा ज़रूर। आप इस ग्रेवी को चावल, रोटी, पाव के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।